नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं NSP की, मतलब कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जो पोर्टल है आपका, वो कैसे काम करता है और इसमें जो क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, पूरी वेबसाइट को चेंज कर दिया गया है क्योंकि हाल ही में जैसे कि इसमें काफ़ी सारे स्कैम चल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, तो पूरा पोर्टल अपडेट हो चुका है, सब कुछ नया है और आप लोगों को कुछ मैसेज भी आ रहे होंगे, तो उसी बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे वाले हैं। तो चलिए पहले हम डायरेक्टली अपना जो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है, यहाँ पे से आपको सिंपली लिखना है NSP, सिर्फ हमें NSP लिखूंगा और सर्च कर देना है, ठीक है। जो आपको पहली वेबसाइट मिल रही है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए, वेबसाइट दिखती है कुछ इस तरह से, जो कि बिल्कुल नई है, अपडेटेड है और इसमें आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, मतलब आपको इसमें अपना फेस दिखाना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी। OTR करने से पहले आपको जानना होगा कि NSP पोर्टल में क्या क्या हो सकता है। देखिए, scholarship.gov.in है, वैसे ये नई वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट अभी भी वर्किंग है। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, मतलब अब भी जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे वो भी यहीं से होगा, लेकिन पहले आपको OTR पूरा करना होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो आप लॉगिन पे जाइए। देखिए, यहाँ पे आपको पुरानी वेबसाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे सारी डिटेल भरी और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक योर पेमेंट, आपको इंस्टॉलमेंट मिली है या नहीं मिली है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आधार सेवा केंद्र, जो आपके पास नज़दीकी आधार केंद्र है वो बेसिकली अब पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। तो देखिए, जब आप यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड सीड नहीं है या आपका आधार कार्ड नहीं बना है या फिर अपडेट करना है कुछ, तो आप यहाँ से आधार केंद्र भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर आधार सीडिंग, ये सबसे ज़रूरी है NSP में, ठीक है। आधार सीडिंग क्या होता है कि आपको अपने बैंक के साथ आधार को अटैच करना होता है, ये आप खुद भी कर सकते हो ऑनलाइन और आप बैंक में जाके भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आधार लिंक है या नहीं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मतलब इस पोर्टल से आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले तो हम OTR का मतलब जान लेते हैं। OTR का मतलब है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक आपको नंबर मिलता है एक बारी के लिए, वो आपको NSP द्वारा ही सेंड किया जाएगा, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे अनाउंसमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं। OTR करने से पहले हमारे को जो इनके अनाउंसमेंट है वो पूरा सेक्शन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि पहले OTR क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्यों करना है, ताकि ये पहचान सके कि स्टूडेंट वही है जो आपकी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहा है, ठीक है। दूसरा है कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर EID, ठीक है। ये अगर आपने अप्लाई किया आधार कार्ड के लिए तो EID लगेगा, अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है तो आपका ये आधार कार्ड नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि यहाँ पे जिनको मैसेज आ चुके हैं, मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको मैसेज आए होंगे, ठीक है। जैसे ये मैसेज है तो यहाँ पे आपको पहले दिखाया होगा कि आपका OTR नंबर ये है और यहाँ पे आपको NSPOTR ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, बल्कि जो ये ऐप है प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल है तो, लेकिन कुछ डिवाइस में ये सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ में लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ पोर्टल पे ही चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिनके पास ये मैसेज नहीं आए उनको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास खुलेगा एक PDF, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड एनीवे करके जो भी आपके पास आएगा PDF ओपन कर लेना है। जब आप PDF ओपन करते हो तो देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि क्या चीज़ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है और इस पे OTR कैसे करना है। देखिए, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होती है जिसका एक पेज है, लेकिन आपको लॉगिन नहीं करना है। सबसे पहले आप न्यू यूज़र है क्योंकि आपने पहली बार अकाउंट बनाना है, तो रजिस्टर योर सेल्फ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, तो वो आपको सभी को अच्छे से पढ़ लेनी है, यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें लिखी है। उसके बाद आई रीड दिस अंडरस्टैंड गाइडलाइंस एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन आई हियर बाय कंसेंट। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप आधार OTR और डुप्लीकेट जो आप कई बार दो बार कर देते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, तो इस तरह से इसको दोनों को एग्री कर देना है, उसके बाद ही नेक्स्ट करना है। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। इसमें बेसिकली लिखा ये है कि आप माइनॉरिटी में तो आपके जो गार्डियंस पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को करेंगे, और दूसरा है कि जो आप डिटेल डाल रहे हो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, इसलिए कहा है कि आप आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए। फिर आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, ठीक है, गाइडलाइन हो चुकी है। अब हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अब आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप करते हो और उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे OTP आ चुका है और इसको आपने या तो कॉपी कर सकते हो या मैनुअली टाइप कर सकते हो, तो ठीक है हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है कि इमेज कैप्चा या ऑडियो कैप्चा की मदद से आपको कैप्चा भर लेना है एज इट इज़, जैसे इसमें कैप्स लॉक में है, और यहाँ पे करना है वेरीफाई पे क्लिक। तो देखिए OTP वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ चुका है, मतलब हमारा OTP जो वैलिड हो चुका है।
अब चलते तीसरे स्टेप की ओर। यहाँ पे करना है आपको EKYC। EKYC में आपको या तो आधार EID नंबर चाहिए या आधार कार्ड चाहिए, और पेरेंट्स लीगल गाइडेंस आपके जो गार्डियंस है उनका जो आधार नंबर है वो चाहिए होता है। ये तीसरा ऑप्शन है अगर आप माइनॉरिटी में हैं, 18 साल से कम के हैं तब आपको यूज़ करना है। अब 18 से ऊपर के हैं तो आई हैव आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे देखिए आपको फिर क्या करना है कि आधार कार्ड आपको यहाँ पे लिखना है, तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड ऐड करना है, मतलब आपको नंबर लिखना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही गाइडलाइंस आपके पास आ जाएगी, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि मैं अवेयर हूँ कि जो मैं अपना आधार कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ कि किस लिए कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मेरा आधार कार्ड बैंक से सीडेड है, ये सिर्फ जो मेजर जो 18 प्लस होते हैं उनके लिए, और जो 18 माइनस है वो उनके पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है। तो चलिए इसको आई एग्री करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आई एग्री करते हैं OTP सेंड सक्सेसफुली, जो अब आधार से लिंक नंबर है उस पर OTP आएगा। जैसे आ चुका है तो इसको आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। देखिए ये काम आपको तब करना है अगर आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है, तो आपको उनको अपने नज़दीक बिठा के करना है ताकि जो OTP में आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि जो OTP होता है वो आपको 10 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए आपको पूरा प्रोसेस जो वापस से करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें करनी है अगर आप माइनॉरिटी में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड और वेरीफाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है अब आपको NPCI सक्सेसफुल, मतलब आपका बैंक से आधार कार्ड जो है सीड है, इसलिए ये आपको मैसेज आया है, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। इसके बाद क्या है कि आपका यहाँ पे फोटो दिखाया जाता है, एड्रेस दिखाया जाता है, और यहाँ पे सारी डिटेल दिखाई जाती है जो कि आधार कार्ड पे होती है, वही इसमें ऐड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फादर और मदर नेम लिखना होता है, और उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना होता है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक से तो ये कनेक्टेड है तो NPCI यहाँ पे ये स्टेटस का अप्रूव दिखा देता है, ठीक है। बस अब आपको फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद प्रोवाइडेड आधार कार्ड EID और रेफरेंस OTR नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पहले से ही था, लेकिन मैंने फिर भी आपको प्रोसेस करके दिखा दिया है। जिसको मैसेज नहीं आया वो इस टाइप से अपने लिए मैसेज ले सकता है, या फिर रेफरेंस नंबर यहाँ से ले सकता है, ठीक है। अब रेफरेंस नंबर मिल गया है, इसके बाद का जो सारा काम है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि जो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और जो इनकी ऐप है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है एंड्रॉयड 10.11 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक से दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है, उसके बाद जाके आपकी EKYC और फेस ऑथेंटिकेशन होगा, तो ठीक है। इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।